फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट dekhosikho.guru पर विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह किस देश का हिस्सा है? तो इसका आंसर है फ्रांस। और हाल ही में इस द्वीप समूह की स्वतंत्रता को लेकर तीसरा जनमत संग्रह हुआ है। इसमें कुल 42% मतदान रहे हैं, जिसमें 96% लोगों ने फ्रांस के साथ रहने का विकल्प चुना है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है एलन मस्क। और एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और CEO है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम को उड़ीसा के किस द्वीप से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप, और इसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शिकायत प्रबंधन तंत्र में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाना है। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है भदोही। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 दिसंबर 2021 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है दिल्ली की योगशाला। अगला प्रश्न है, किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वेरस्टैपेन, और ये जो है ये पहले डच ड्राइवर है जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है कांगो के रूम्बा। अगला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसने घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बना दिया है? तो इसका आंसर है माल्टा। और हाल ही में माल्टा में ये नया कानून लागू हुआ है, और माल्टा ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, सोलर हमाम क्या है? तो सोलर हमाम जो है यह स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया एक हीटिंग सिस्टम है, जिसे लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गांवों में काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। और इसके साथ ही सोलर हमाम को 2016 और 17 के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। अगला प्रश्न है, देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है, और स्वतंत्रता के बाद विदेशी रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, और इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने किस नाम से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है टेदर। और बिटकॉइन जो है 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई पहली क्रिप्टो करेंसी है। 13वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की सरकार के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता से संबंधित संधि को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है पोलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना का आरंभ कहां पर किया है? तो इसका आंसर है सिमहाद्री, और यह विशाखापट्टनम के समीप है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार को राष्ट्रीय पद के कर्मियों के व्हाइट हाउस के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया है? तो इसका आंसर है गौतम राघवन। अगला प्रश्न है, देश का पहला ड्रोन मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किसको अमृत विरासत सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर है दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला FM रेडियो स्टेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है लद्दाख। और इस पहले FM रेडियो को उमर नरूला द्वारा लॉन्च किया गया है, और उमंग नरूला जो है वो FM रेडियो लद्दाख के सलाहकार है। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में किस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विजय दिवस। 20वां प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, और इस पासबुक पर 3 भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा उपलब्ध होगी। 21वां प्रश्न है, जापानी वैज्ञानिकों ने किस पक्षी की एंटीबॉडी से लेपित
निर्मित एक फिल्टर मास्क बनाया है जो कोरोना वायरस को लक्षित करता है। तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। इस मास्क से पैरा बैंगनी प्रकाश की मदद से कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2021 को कौन से हिंद महासागर संवाद का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है 8वें। और इस साल की थीम जो है वो है लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन आयोरा और मेंबर स्टेट्स। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य को स्पर्श किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की है? तो इसका आंसर है नासा। और पार्क सोलर प्रोब जो है वो सूर्य की ऊपरी वायुमंडल जिसे कोरोना कहा जाता है उससे होकर गुजरा है और नासा ऐसा करने वाला पहले स्पेस एजेंसी बन गई है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम किस विद्रोह से जुड़ा है? तो इसका आंसर है रंपा विद्रोह। और इस विद्रोह की शुरुआत अगस्त 1922 में हुई थी और इसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2021 को 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुईस हैमिल्टन ने मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए किसकी उपाधि प्राप्त की है? तो इसका आंसर है नाइटहुड। अगला प्रश्न है, मनोहरी गोल्ड टी जिसे कि असम चाय के नाम से भी जाना जाता है उसने एक दुर्लभ किस्म के नए रिकॉर्ड बनाया है, इसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया है? तो इसका आंसर है 99,999। अगला प्रश्न है, भूटान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार। और यह जो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और नरेंद्र मोदी जो है वो पहले विदेशी बन गए हैं जिन्होंने यह पुरस्कार हासिल किया है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के बाद कौन सा देश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कुमार मंगलम बिड़ला और ये आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं और इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले भारतीय उद्योगपति बने हैं। अगला प्रश्न है, चबहार बंदरगाह के विकास के लिए किस वर्ष भारत ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका आंसर है 2015। और चबहार बंदरगाह जो है वो ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है और ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अंजलि शर्मा कौन है? तो अंजलि शर्मा जो है वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अगला प्रश्न है, हर साल 19 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है गोवा मुक्ति दिवस। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 1961 में ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है मोहित जैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से कितने साल करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है 21 साल। अगला प्रश्न है, रानी अबाका चोटा उलाल कौन थी? तो इसका उत्तर है, वे तुलुबा की रानी थी और उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी थी और हाल ही में वीरा रानी अबाका महोत्सव के दौरान वीरा रानी अबाका पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है 200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है कोवैक्स। अगला प्रश्न है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स पर कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में चार्ट में सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ज्यादा पैरों वाला लंबा जानवर किस देश में मिला है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और इसका नाम जो है मिलपैडा और इसके 1306 पैर हैं। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर चिप किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर है सिलिकॉन के। और हाल ही में केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस एक्ट के जरिए शादी के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 1931 का शारदा एक्ट। और इस एक्ट के तहत पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र जो थी वो 18 साल थी और महिलाओं की उम्र जो थी वो 14 साल थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जगह रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आंसर है अयोध्या। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है अग्निपी। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर 2021 को किस चक्रवात ने फिलीपींस के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दस्तक दी जिससे भारी बारिश और बाढ़ आई जिससे एक बड़े क्षेत्र में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं? तो इस चक्रवात का नाम है टाइफून रॉय। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने दिसंबर 17 2021 को किस गीत को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर है तमिल थाई मांझतु। और तमिल थाई मांझतु जो है एक प्रार्थना है जो तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है और यह 55 सेकंड का गीत है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है कमल किशोर। अगला प्रश्न है, भारत में जर्मनी के राजदूत कौन है? तो इसका आंसर है वाल्टर जे लिनेओ। अगला प्रश्न है, आधार को वोटिंग कार्ड से जोड़ने वाला कौन सा संशोधन लोकसभा में पास किया गया है? तो इसका आंसर है चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021। अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली देखी गई है और ये जो बिल्ली है ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट स्टेटस में है। अगला प्रश्न है, चिली के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इसका आंसर है ग्रेवियल बोरिस। अगला प्रश्न है, WVF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पुरुष एकल स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है किदांबी श्रीकांत और इसमें स्वर्ण पदक जो है वो सिंगापुर के लॉ किन्यू ने जीता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर यार लांगडा लक्ष्मी प्रसाद जो कि अध्यक्ष हैं राजभाषा आयोग के आंध्र प्रदेश की किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर है गांधी टोपी गवर्नर और ये जो है एक तेलुगु पुस्तक है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कौन से गीत का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय एकता गीत और इसे राष्ट्रीय कोर कैडेटों ने तैयार किया है और राष्ट्रीय एकता गीत की रचना 22 भाषाओं में की गई है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर, ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.org पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।